अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। ड्रामा सीरियल जुल्म में शावेज और ईशा को जेल भिजवा दिया जाएगा, तो शावेज का असिस्टेंट उसे मिलने आता है और बताएगा कि इसे कोई वकील नहीं मिल रहा, जिसके बाद शावेज की माँ अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए तमाम वकला के पास जाएगी, लेकिन कोई वकील भी ये केस अपने हाथ में नहीं लेगा। कहते हैं कि जब इंसान को चारों तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ता है तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता पैदा कर ही देता है। जब शावेज की माँ शावेज को बताएगी कि कोई भी वकील केस नहीं ले रहा, तो शावेज अपनी माँ से कहेगा कि माँ तुम ये केस लड़ो, जिसके बाद शावेज की माँ अदालत में अपना वकालतनामा जमा करवा देगी। जब इस बात का मलक अजलाल को इल्म होगा तो वो अपने जरखरीद थानेदार को भेजेगा, जहाँ वो शावेज की माँ को धमकियाँ देगा कि तुम्हारा इकलौता बेटा है, इसको कहो कि इस केस से अलग हो जाए, इसकी जान बख्शी हो जाएगी, नहीं तो वो जेल में तो है ही, बाकी जिंदगी भी जेल में चक्की पीसते हुए गुजारेगा। दूसरी तरफ मनाल अपने भाई के मुजालम देखकर तौबा तो कर चुकी है और अरबाज को यकीन भी दिला चुकी है कि वो अब अपने भाई का साथ नहीं देगी। नाज़रीन, शावेज की माँ अब अपने शावेज की जमानत करवाने के बजाय उमैर के कत्ल का मुकदमा लड़ेगी, जिसके लिए अदालत ने मनाल को तलब कर रखा है और अदम हाजिरी की सूरत में ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या मनाल अपने ही भाई के खिलाफ गवाही रिकॉर्ड करवाएगी, ये सब देखने के लिए हमें आइंदा किसका इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत शुक्रिया।